Hey guys, Assalamualaikum. My name is Imad and welcome to my channel Imad Clicks. जैसा कि आप सबको पता है, जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं, कश्मीर में ठंड आ चुकी है and it's really getting cold out here. और मौसम विभाग का अनुमान है कि 14-15 से यहाँ पे बर्फ गिरने वाली है, which makes it a kind of, you know, exciting for the people living here in Kashmir and the people outside Kashmir जो plan कर रहे हैं कश्मीर आने का इन सर्दियों में. अगर इंडिया में कोई बेस्ट जगह है विंटर्स के लिए, जहाँ ढेर सारी बर्फ मिलती है, जहाँ ढेर सारी एक्टिविटीज होती है और जो सबसे खूबसूरत है, that's Kashmir. Kashmir is one of the best places out here in India if you're planning to visit or spend your winter holidays, you know. So this morning I received this package. दिखाई दे रहा आपको द हांगुल, जो एक्चुअली एक कॉफी है एंड दे टोल्ड मी टू ट्राई इट आउट. तो अभी मैंने ट्राई नहीं किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे. आई विल ट्राई इट आउट. सो लेट्स कम बैक टू दिस वीडियो. सो गाइज, एज अ कश्मीरी, माई ऑनेस्ट एडवाइस टू यू गाइज, इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट कश्मीर दिस विंटर, वट आर द डूज एंड डोंट्स विच यू हैव टू फॉलो. सो पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ. द बेस्ट टाइम टू विजिट कश्मीर टू वॉच अ स्नोफॉल इज अराउंड क्रिसमस. दैट्स अराउंड 21st December टू 31st of Jan. दिस इज द टाइम जब कश्मीर सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, सबसे ज़्यादा स्नोफॉल रहती है एंड देर आर लॉट ऑफ प्लेसेज यू कैन रोम अराउंड हेयर इन कश्मीर. और आप बर्फ़ का मज़ा ले सकते हो, एक्चुअली ठंड का मज़ा ले सकते हो. तो चलिए बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की. फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी लोग बाहर से बुकिंग्स करते हैं, अपने होटल्स बुक करते हैं, तो मेक श्योर आप ये चीज़ कन्फर्म करो कि आपका जो रूम आपने जो लिया है, जो बुक किया है या जो भी आप होटल ले रहे हो, उसमें रूम्स में हीटिंग सिस्टम अवेलेबल है या नहीं है. बिकॉज मैं नो रिकमेंड करूँगा आप वही रूम लो जिसमें प्रॉपर हीटिंग सिस्टम्स हो, क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड रहती है और पूरा दिन जब आप घूमने जाओगे, बर्फ़ में खेलोगे, यू नो यू विल गो टू साइट सीइंग, तो यू नो इट्स हॉरिबल, ट्रस्ट मी. इतनी ठंड होती है कि बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होती. और शाम को हर कोई बंदा एक्सपेक्ट करता है कि जब वो बिस्तर में घुसे तो उसका बेड वार्म हो और बिल्कुल भी ठंड ना हो. और मेंटली अच्छी नींद के बाद, यू नो व्हेन यू वेक अप फ्रेश इन द मॉर्निंग, यू कैन अगैन यू नो गो टू हाइक्स, यू कैन ट्रैवल प्लेसेज, यू नो यू कैन एन्जॉय द स्नोफॉल हेयर. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रूल नंबर टू, मेक श्योर कि आप अपना ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा सा जुगाड़ करो. इट्स वेरी डिफिकल्ट हेयर टू रोम इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कश्मीर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इट्स वन ऑफ द, आई गेस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, वन ऑफ द वर्स्ट आउट देयर इन एंटायर इंडिया. यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, बर्फबारी ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर, यू नो एक दूसरे के साथ सॉरी ट्रैवल करते हैं यहाँ के सूमोज में, यहाँ के जो यू नो बसेस होती है, तो इट्स नॉट ए गुड प्लेजेंट एक्सपीरियंस. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू प्लेसेस लाइक यू नो फार ऑफ प्लेसेस लाइक पहलगाम, गुलमर्ग, जो भी कॉमन प्लेसेस है यहाँ पे विंटर्स के लिए, साइट सीइंग के लिए, सो मेक श्योर यू डू सम यू नो बैकग्राउंड चेक. अपने होटल से बात करें या अगर आप अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, देन दैट्स ग्रेट, यू नो यू कैन हैव अ गाला टाइम हेयर. रूल नंबर थ्री, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप फूड खाते हो, यू नो द फूड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग वही खाना खाओ जो यहाँ के लोकल कश्मीरीज प्रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव लॉट ऑफ वॉलनट्स, नट्स, जो भी अवेलेबल होते हैं लोकली, उनको खाओ, कहवा पियो, आपकी बॉडी को गर्म रखेगा. हरिसा इज़ अबंडेंटली अवेलेबल इन कश्मीर. हरिसा इज़ अ स्पेशल डिश जो सिर्फ सर्दियों में कश्मीर में बनती है, यू नो वो आपको पूरे तन बदन को गर्म करके रख देती है, आपको ठंड नहीं, यू नो ठंड महसूस नहीं होगी. एंड जो भी लोकली लोग यू नो खाते हैं यहाँ पे, प्रेफर टू हैव दोज काइंड ऑफ फूड, वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो अगर आप सोच रहे हो कि आप फ्रूट्स खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे, तो दैट वॉन्ट बी गुड फॉर यू. ओके गाइज, सो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. माई रिकमेंडेशन, ईट फूड विच इज़ लोकली अवेलेबल, जो यहाँ के लोकल कश्मीरीज प्रेफर करते हैं. रूल नंबर थ्री, दैट्स क्लोथिंग. क्लोथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे ट्रैवलर्स, हिपी ट्रैवलर्स, यू नो ऐसे ही, यू नो कल रात को प्लान बनाया, चलो कल कश्मीर जाना है, एंड दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड. एंड जब कपड़ों की बात आती है, तो मोस्टली लोग कहते हैं कि चलो यार कश्मीर में ही खरीद लेंगे, वहाँ पे बेटर कपड़े मिलेंगे, अच्छे कपड़े मिलेंगे, यू नो सर्दियों के लिए, आई नो इट सीम्स टू बी द आइडियल चॉइस. पर ऐसा नहीं है. एज आपको पता है, कश्मीर इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी जैकेट्स या कुछ भी, यू नो जूते वूते खरीदते हैं, तो आपको उसी दाम पे मिलेंगे. सो इट्स बेटर कि आप अपने जो जैकेट्स है, शूज़ है, प्रेफरेबली आप अपने साथ लेके आ जाए, ब्रांडेड क्लोथिंग खरीदे. दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू बी हेयर, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है और आपको टाइम नहीं मिलेगा, यू नो एंड नोबडी वॉन्ट्स टू वेस्ट देयर टाइम, यू नो शॉपिंग अराउंड
एंड दे आर नॉट प्रिपेयर. तो मेक श्योर आप अच्छे से यू नो वार्म कपड़े, स्वेटर्स, जैकेट्स, जो भी है, वेल प्रिपेयर्ड आए कश्मीर यू नो को एक्सप्लोर करने के लिए. एंड रूल नंबर 4, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे आउट हेयर इन श्रीनगर. तो बहुत सारे लोग जितने भी बाहर के, उनको कॉन्सेप्ट होता है जी भैया हाउस बोट में रहना है, तो हाउस बोट में आप रहिए, बट मेक श्योर कि आप एक अच्छा सा हाउस बोट बुक करें. बाद में ये ना कहे कि भैया कश्मीर गए एंड यू नो हाउस बोट वालों ने ये किया वो किया, इट वॉज नॉट द सर्विस वॉज नॉट गुड. आपको पता है कि यू नो जो हाउस बोट होता है इट्स मोस्टली इन बिटवीन द लेक और जहलम के किनारे एंड इट्स सराउंडेड बाय द माउंटेन्स, सराउंडेड बाय द कोल्ड वाटर. और हाउस बोट का जो यू नो एम्बियंस होता है इट्स मच कोल्डर, जो एनवायरमेंट होता है बहुत ठंडा होता है बनिस्बत के जो होटल्स या हाउसेज होते हैं, रूम टेम्परेचर काफ़ी कम होता है. तो मेक श्योर आप सुपर ड्यूलक्स का हाउस बोट बुक करें या ऐसा हाउस बोट करें जिसमें सेंट्रल हीटिंग लगा हो. एटलीस्ट अगर सेंट्रल हीटिंग ना लगा हो एटलीस्ट आपका जो रूम्स है उनमें इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स हो, प्रॉपर बुखारी हो या प्रॉपर कोई भी हीटिंग या ब्लोअर्स अवेलेबल हो. मेक श्योर यू डू दैट, वरना आप वही वाला सीन हो जाएगा कश्मीर में, बिकॉज हाउस बोट्स आर यूजुअली मच कोल्डर दैन द हाउसेस and you know other hotels. And last ka rule, please you know when I'm traveling to Kashmir make sure you carry basic medicines with you, kyunki jab aap garam jagah se, jo India mostly garam rehta hai sardiyon mein, itni thand nahi hoti har jagah, Kashmir is much colder, yahan ke temperatures you know they vary from you know 10 degrees to minus 8 degrees in winter, so it's quite a temperature difference you know as compared to rest of India. So make sure you carry on your medicines with you, jo basic medicines hote hain, taaki agar koi sardi zukam ya kuch aisa ho jaye to you know at least you have something handy to have at that point of time. And covid chal raha hai, you never know. Now guys chalte hain the very important thing, places to visit in Kashmir. I will not talk about the adventurous, you know, far-flung areas out here in Kashmir. There are n number of places you can visit in Kashmir in winters, but jo most common hai aur jab se best places hai jo mostly you know outsiders prefer, they come to places where they can have fun in snow, you know, they can do adventure sports, they can do skiing, snowboarding, ye sab cheeze kar sakte hai. To uske liye mere hisab se Gulmarg is one of the best place you can spend your winters, you know, wahan pe you can do all sort of things, trust me. So अराउंड यू नो क्रिसमस यू कैन लैंड अप हेयर इन कश्मीर एंड गुलमर्ग में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. यू नो यू कैन डू स्कीइंग, यू नो यू कैन डू स्नो बोर्डिंग, यू कैन डू हेली स्कीइंग, यू नो विच इज़ द ओनली प्लेस इन इंडिया जहाँ पे हेली स्कीइंग होती है. उसका क्या मतलब है, आप एक चॉपर में लिफ्ट किए जाएंगे, पहाड़ी की चोटी पे डाला जाएगा आपको और पहाड़ी की चोटी से आप पूरे माउंटेन से नीचे आ सकते हैं पूरा एडवेंचर करके, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो चीज़ करने का मतलब इफ यू कैन डू दैट ना देन दिस इज द बेस्ट प्लेस टू डू दैट. यू नो यू कैन डू दैट, यस यू कैन डू दैट. और क्या है, और बाकी छोटी मोटी यू नो स्कीइंग जो न्यू बीज है जो पहली बार करना चाहते हैं उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो गुलमर्ग में बहुत सारी ऐसी जगह है, ऐसे बेबी स्लोप्स अवेलेबल है जहाँ आप सीख सकते हो, कर सकते हो. देन वैन यू स्पेंड टाइम हेयर यू कैन जस्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल एंड द अल्टीमेट लेवल इज द हेली स्कीइंग. वो तो 2-3 साल बाद ही आप कर पाओगे. एनीवेज, तो गुलमर्ग इज द प्लेस टू बी. अनदर इज सोनमर्ग जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और सर्दियों में तो और भी ऑसम लगती है. इट्स फुल ऑफ ग्लेशियर्स, इफ यू आर अ हाइकर यू वांट टू हाइक इन स्नो दैट इज द बेस्ट प्लेस, आप जा सकते हैं. थर्डली पहलगाम, पहलगाम भी बहुत अच्छी जगह है, सर्दियों में और भी ऑसम लगती है. यू नो यू कैन हैव फन देयर एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस गाइस, यू कैन विजिट एनी प्लेसेस. जितने भी आप इवन इंटरनेट पर सर्च करोगे ना मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो यू गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्लेसेस यू वांट टू विजिट इन विंटर्स टू कश्मीर. तो दैट्स इट, एंड द वीडियो, बाय, टेक केयर.